कुरबेला थाना पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अवैध हथियारों की बरामदगी को लेकर व्यापक रूप से अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत आकाश गंगा एडवेंचर रोड सुपेला में दाबेली बेचने वाले से गाली गलौज कर उस पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी रामेश्वर दयाल सुपेला निवासी आरोपी को पुलिस ने धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने न्यूज टीम को दी है। शाम के समय आकाशगंगा जो मार्केट है वहाँ पर एक भेल ठेला वाला बंदा है और एक दाबेली सेंटर वाला है, ये दोनों का झगड़ा होने की सूचना पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम और 112 की टीम मौके पर पहुंची थी। मौके पर जब उन्होंने पहुंचे तो देखे कि भेल वाला जो रामेश्वर दयाल मिश्रा ये जो बंदा है ये अपने हाथ में एक लोहे का बड़ा सा कत्ता रखा हुआ है, धारदुमा कत्ता, और उससे हमला करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस टीम सक्रियता से वहाँ पर पहुंचकर बीच बचाव कर मौके से ही जो आरोपी रामेश्वर दयाल है उसको हथियार के समेत बरामद कर लिया और आरोपी के विरुद्ध में 25-27 साल से की कार्रवाई की गई।